बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद अमजद पंसता, एडवोकेट फ्रॉम चिश्तियां, और मैं चिश्तियां लेवल का जो आईएलएफ हमारा है पीटीआई का, उसका मेंबर हूं। ठीक है, तो आज हमारे साथ मेरे प्यारे दोस्त आए हैं जी, और इनका जो स्टेक है उदा के जनरल सेक्रेटरी है। आज उनसे बात करते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और इमरान खान साहब जो है वो रोजाना की बुनियाद पर केसेस में भरी होते जा रहे हैं। रिसेंटली आज 3 बजे एक फैसला कोर्ट ने सुनाया है जिसमें इमरान खान साहब और बीबी बुशरा के इद्दत केस में उनको बरी कर दिया गया। उनसे उस हवाले से बात करते हैं कि आप क्या बताएंगे इस हवाले से। जी शुक्रिया सर, पहले तो आपने, ये बड़ा अच्छा मौजू है और बड़ा खुशी का मौका है। तमाम आई लाइफ के जो हम लॉयर्स हैं जी, और उन सब ने जो मेहनत की है उसमें का नतीजा ही आज। जी बिल्कुल सही। और आप जैसे देख रहे हैं कि दिन ब दिन हालात बदल रहे हैं, जो अगर हम अपने अल्फाज में, अगर इंसाफ की जीत हो रही है, बेशक कि इंसाफ की जीत हो रही है, और आईएलएफ के जितने भी लॉयर्स हैं मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इन हालातों में इमरान खान साहब का साथ दिया। जी जी। और जैसा कि इमरान साहब खुद कहते हैं, खान साहब के जो वकील है वो मेरे लिए सबसे अहम, और उनके वकीलों ने यह बात साबित की है कि वो उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। और ये फैसला जो है, और ये जितने भी आगे फैसले आ रहे हैं, ये सारे हिस्ट्री हैं, और ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि इंसाफ जो है ना, चाहे उसका देर वाला होगा, देर हो लेकिन जीत उसी की, जीत उसी की। और हम जैसे कि हम सब जानते हैं खान साहब जी बिल्कुल इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये थे बिलाल फखर महारवी साहब, मेरे प्यारे दोस्त और आईएलएफ के जनरल सेक्रेटरी तहसील लेवल पर। तो उनसे आज इमरान खान साहब के हवाले से और हालिया जो हालात हैं मुल्की, उन पर बातचीत हुई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।